अस्सलाम वालेकुम हमारे सब देखने वालों को और सुनने वालों को। आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह ताला आपको एक पनाह में रखे हर तरह की बीमारी से, हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं बड़ा ही अथेंटिक किस्म का, लोगों ने आजमाई है वो चीज़, तो उसको हमने सोचा कि हम उसको वीडियो की शक्ल में बनाएं। तो ये एक इलाज है, एक बचाव का तरीका है हर तरह की बीमारी से और वायरसेस से। और आप लोग इस अमल को करें और इस वीडियो को अगर हम इसमें भी तलावत करेंगे तो कुरान करीम की एक सूरत है, 25वें पारे में है ये। और आप कहा ये जा रहा है कि इसको आप खुद तलावत करें मगरिब की नमाज के बाद, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में इस सूरत को तलावत करें खुद, और इसको रिकॉर्ड कर लें या आप डेली खुद करें, या अगर रिकॉर्ड कर लें या हमारी ये वीडियो में जो तलावत हम करेंगे उसको देखेंगे तो इसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ वहाँ तक हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के वायरसेस से आप महफूज रहेंगे। और वो वायरस की एंट्री ही उस जगह पर नहीं होगी जहाँ तक इसकी आवाज़ इस सूरत की तलावत की जाएगी। तो हमारे साथ दानिश आफ्ताब हैं, ये इस सूरत को तलावत करेंगे। और खुर्रम आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसको अपनी सूरत की तलावत को अपने घरों में प्ले करें, ठीक है। जहाँ जहाँ इसकी आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ वायरस बिल्कुल भी एंटर नहीं होगा, अगर होगा भी तो इंशाल्लाह इसकी खैर बरकत से वो चला जाएगा वहाँ से। बिल्कुल बेशक बेशक। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات للقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات للقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا لؤتوا سب اس تلاوت کو زیادہ سے زیادہ سنیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیجیے تاکہ کوئی بھی جو مسلمان ہیں ہمارے وہ اپنے ہی اس قرآن کریم سے اس کا حل تلاش کریں اور وہ اس بیماری سے اس مہلک مرض سے اس وائرس سے بچ سکیں بہت شکریہ آپ سب کا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ